दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है कि जहां गांधी जी 1921 में अहिंसा या एक गाल के बदले दूसरे गाल आगे करो जैसी बातें बोलते थे, वो 1942 आते आते करो या मरो का नारा क्यों देने लगे? या कभी ये सोचा है कि ब्रिटिशर्स जो वर्ल्ड वॉर टू जीत चुके थे, जापान ने सरेंडर कर दिया था, भारत बंगाल भुखमरी के कारण कंगाल हो गया था, फिर ब्रिटिशर्स ने भारत क्यों छोड़ा? इन सब का जवाब सिर्फ एक आदमी है, द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस। इस आदमी ने लिटरली पूरी फौज खड़ी कर दी थी अंग्रेजों के आगे। ये इंडिया की पहली आर्मी थी। 1943 में जब पूरे बंगाल के लोगों के कंकाल पड़े हुए थे भुखमरी के कारण, तब ये बात ना सहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा रंगून से दिया। और 1944 में बिना कुछ सोचे समझे बॉर्डर क्रॉस करके ब्रिटिशर्स से भिड़ गए और कई महीनों तक चली ये वॉर जापान के सरेंडर करने के बाद खत्म हुई। और 2-3 दिन बाद ही सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है और आजाद हिंद फौज के हर ऑफिसर्स को कोर्ट में गद्दार बता दिया जाता है। आखिर इन सब के पीछे वजह क्या थी? आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं, बेस्ट आंसर को पिन किया जाएगा।